हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कि हम कोरल ड्रॉ के अंदर कलर चार्ट जो है कि हम जो कलर पैलेट्स होती हैं इनका प्रयोग करके हम इनको जो कलर्स हम यहाँ देख पा रहे हैं इनका एक कलर चार्ट कैसे बना सकते कैसे बनाते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। ये फीचर कोरल ड्रॉ के अंदर दिया हुआ है कि अभी तक मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया कि हम एक कस्टम कलर पैलेट कैसे बनाते हैं और उसमें कलर कैसे ऐड करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप जैसे कि मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, इस पर आपको सब्सक्राइब करने के लिए करना क्या है कि आपने जो रेड बटन है आप यहाँ जाइए, यहाँ जैसे जाएंगे आपके पास ये एक विंडो खुल इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी और आप सिर्फ यहाँ पर जो रेड बटन दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करें। और ये अगर आप यहाँ नहीं हैं आप यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सीधे यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के साथ ही आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे और जो भी नई टिप होंगी नया नई वीडियोस होंगी आपके पास तुरंत आपके इनबॉक्स में आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हम कोरल ड्रॉ के अंदर जो कलर पैलेट्स हैं इनका चार्ट कैसे बना सकते हैं। ये जो कलर पैलेट मैंने बनाया है ये मेरी अपनी कस्टम कलर पैलेट है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये मैंने आपको पहले जो पिछले ट्यूटोरियल था वीडियो ट्यूटोरियल मैंने बताया आपको कि ये माई ओन कलर पैलेट है, किसकी जो कलर से मेरे अपने कलर पैलेट हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप इस वीडियो को आप अगर मेरे होम पेज पर हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अभी मैंने जो ये मेरा जो वो डाला हुआ है क्रिएटिंग बेस्ट कलर स्कीम पैलेट जो है कि आप कलर स्कीम पैलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ के अंदर कस्टम कलर्स कैसे ऐड कर सकते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी आपको उसमें ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं मेरे होम चैनल पर आकर के। और तो हम बात करते हैं दोस्तों फिर कि हम इसको कोरल ड्रॉ के अंदर ये कलर चार्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो हम जो एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं या नहीं भी खोलते हैं देखते हैं क्या होता है। आप देखिए, एक बार हमने एक नया डॉक्यूमेंट खोला है और इसके अंदर हम गए टूल्स के अंदर मैक्रोस। मैक्रोस क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि होते क्या है या इसे कैसे काम करते हैं। लेकिन अभी हम मैक्रो का यूज करके मैं एक जो कलर चार्ट है वो बनाऊंगा। आप यहाँ मैक्रो मैनेजर पे जाएं, इस पे जाने के बाद आप यहाँ पे एक नई विंडो सॉरी पावर में ऑप्शन रखता है, मेरा ऑलरेडी खुला हुआ था और वो ऑफ हो गया। मैं दोबारा खोलता हूँ मैक्रो से, मैक्रो मैनेजर क्लिक करता हूँ तो इस तरह की विंडो खुल जाती है। इसमें सारी लिस्ट जितने मैंने ये डॉक्यूमेंट्स खोल रखे हैं सबको लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी। आप अपनी वेबसाइट से जो कोरल ड्रॉ आपने खोला हुआ है उसमें आप चेक कर सकते हैं। आप तो आप यहाँ टूल्स में जा करके मैक्रोस पे और मैक्रो मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो खुल जाती है। इसमें एक ऑप्शन होता है मैक्रो में ग्लोबल मैक्रोस, इसके अंदर कोरल ड्रॉ मैक्रोस और ये होता है क्रिएट कलर स्वैच। आप इस पर मैं इस पर डबल डबल क्लिक करता हूँ तो ये कौन सी कलर पैलेट को आप चाहेंगे कि उसमें जो भी दो पैलेट में खुली हुई थी डिफॉल्ट जो कोरल ड्रॉ की डिफॉल्ट CMYK पैलेट है वो खुली हुई है। इसके अलावा एक जो पैलेट मेरी माई ओन कलर पैलेट जो मैंने ये कस्टम पैलेट बनाया है, जो कलर मैंने सेलेक्ट करके जो आप यहाँ देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इससे मैंने बनाया था क्रिएट बेस्ट कलर पैलेट। जो कलर स्कीम है हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जब हमें बेस्ट लगती है, हमारे पास कोई बेस्ट कलर स्कीम है तो हम उसे किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ये कलर स्कीम बनाया था, इसमें सब बहुत सारे कलर वेरिएशन हैं, मेन कलर्स के वेरिएशन पूरी सबके मैंने वेरिएशन यूज कर लिए हैं, जो लाइट टू डार्क करते हैं जितनी शेड्स हो सकती है पॉसिबिलिटी जो बेस्ट शेड्स हैं वो बनाया था मैंने। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं माई ओन कलर पैलेट के अंदर आकर के, इस पर क्लिक करें और इस पर आप जा करके प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, स्पेसिंग आउटलाइन आप यहाँ हम ओके कर देते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों कि होता क्या है, जितने भी कलर स्कीम यहाँ दी हुई हैं सारी सारी कलर स्कीम उसने यहाँ पर उठा करके यहाँ ला करके देखिए एक वन बाई वन जितनी भी कलर स्कीम्स हैं सब वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ और उसके कलर के कुछ नाम है तो जो भी वैल्यूज़ उठा करके उसने आपको एक पूरा इस पर बना के दे देगा सारी चीज़ें। इस पर जा करके यहाँ पर देखिए बन गई पेज वन, आपके तीन पेज के अंदर जो भी सारी वैल्यूज कलर स्वेचेस हैं वो तुरंत आपके पास मिल जाते हैं। इसका फ़ायदा उसमें ये होता है कई बार कि हम जैसे अपना डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, अब ये हमारा सॉरी दोस्तों एक मिनट, जैसे कि दोस्तों हमारे पास ये मेरा कलर पैलेट है जो मैंने खोला कलर पैलेट, इसमें डॉक्यूमेंट पैलेट मैं खोलता हूँ। ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट पैलेट, ये डॉक्यूमेंट पैलेट है ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो और हमने इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट के अंदर कलर यूज कर रखे हैं, हम चाहते हैं कि वो जो कलर्स आ रहे हैं वो इसके अंदर इस लिस्ट में आ जाएं अपने आप ही। और उस लिस्ट को हम कई बार प्रिंटर के प्रिंट को भेजते हैं या किसी को अपना कलर दिखाते हैं कि हमने इसके अंदर कौन कौन से कलर यूज़ किए हुए हैं, तो पूरी लिस्ट दिखाने के लिए किसी डॉक्यूमेंट के अंदर की पूरी लिस्ट एक अपने आप सेव हो जाती है। जैसे कि उस लिस्ट को हम सेव कर सकते हैं पूरी कहीं भी, या फिर इस स्कीम को हमें कौन से किसी को प्रिंटर पर प्रिंट करके इसको कुछ कलर के किसी स्कीम यूज़ करनी है कौन सी नहीं यूज करनी है, हम कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या कुछ क्लाइंट को लिस्ट भेजते हैं वो सजेशन देने के लिए, तो हम इसको भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चॉइस अपनी है कि हम इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं और कैसे यूज करना चाहते हैं। बाकी हम इसे इस प्रकार से जो कलर पैलेट्स है उसको हम अपना
कोलड्रा के अंदर उसको सेट कर सकते हैं, उसके सारे कलर पैलेट की स्कीम के बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपकी टिप आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। धन्यवाद दोस्तों।